हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की केमिस्ट्री की क्लास में सो so, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री का सेकंड टर्म का पहला चैप्टर सो so, जल्दी से एक बार ही उसका नाम देख लेते हैं चैप्टर का नाम भी तो पता होना चाहिए जो पढ़ाई करनी है सो so, हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और जो ये चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज्यादा बढ़िया है सीबीएसई ने एक बढ़िया चीज कर दी कि इस चैप्टर को हमारे लिए बहुत छोटा कर दिया मतलब वैसे अगर देखा जाए तो काफी लेंदी चैप्टर है ये बट जो करंट सिलेबस आया है अभी उनकी तरफ से उसके हिसाब से बहुत ही छोटा कर दिया है सो so, हमें कम कम पढ़ाई करनी है अब कम पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करेंगे ठीक है चलिए तो मैं अब अपनी तारीफ थोड़ा बहुत शब्द कहना चाहूंगी आप लोग भी सोच रहे होंगे हो गॉड ये हमारी नई टीचर कौन सी आ गई है ठीक है सो जल्दी से देख लेते हैं मैं कौन हूँ यहाँ पे बगल में तुम्हारी ये मैं ही हूँ ये बस ये थोड़ा मेरा पहले की फोटो है तो तुम देख रहे हो मैम इसमें तो आप पतले अभी तो थोड़े आप ज़्यादा ही हेल्दी हो गए हो तो थोड़े पहले की मेरी फोटो है तो मेरी तारीफ़ में कुछ शब्द हेलो एवरीवन आई एम स्वाति राठी मेरा नाम स्वाति है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर ठीक है तो मतलब वो होता है ना कि अपने उसमें थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है भाई बच्चों को बताना पड़ता है अब कौन आ गया है ठीक है थोड़ा ढिंडोरा विंडोरा पीटना पड़ता है सो so, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे सो so, जल्दी से अपना चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के एक बार ही देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है सिंस ये आपका सेकंड टर्म का पहला चैप्टर है तो मैं चाहती हूँ कि अब जब हम शुरुआत करें तो बढ़िया सी शुरुआत करें एकदम मतलब एक बारी में ही प्रॉपर वी शुड स्टार्ट विद अ बैंक ओके okay. चलिए अब आज का एजेंडा क्या है भाई पता तो होना चाहिए करना क्या है जंग में ऐसे ही चले जाओगे जब पता ही नहीं होगा किसको मारना है किसको हराना है तो भाई आज की क्लास का एजेंडा क्या है टू स्टडी अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके टेट्रावैलेंट नेचर के बारे में एंड कैटिनेशन के बारे में नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग कि मैम जो ये वर्सेटाइल नेचर है ये तो हमारा थर्ड टॉपिक है इससे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसके बाद एलोट्रॉप्स है एंड कहीं बाद में जाके वर्सेटाइल नेचर है हमारा अगर हम एनसीआर के पैटर्न के हिसाब से चले है ना मेरे को पता है सोचोगे ऐसी चीजें तुम हल्ला भी मचाएंगे बहुत सारे बच्चे अरे ये तो थर्ड टॉपिक है शुरू से शुरू क्यों नहीं कर रहे हो आप तो बेटा मैं चाहती हूँ कि पहले आप कार्बन को जानो कार्बन को पहचानो तभी तो उसके साथ रिश्ते बन पाएंगे रिश्ते मतलब तभी तो उसके साथ हम बॉन्डिंग कर पाएंगे ठीक है जब हमें किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ती है पहले उसको समझना पड़ता है ना उसको जानना पड़ता है उसके नेचर के बारे में हमें पता लगाना पड़ता है तो उसी हिसाब से हमें कार्बन के नेचर के बारे में पता लगाना है उसके बाद फिर जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं हम वो करेंगे कुछ भी नहीं छूटेगा तुम्हारा बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक्स हम लोग निपटाएंगे ठीक है तो मैं सीक्वेंस में नहीं चलूंगी मैं उस सीक्वेंस में चलूंगी जिससे मुझे लगता है कि ज़्यादा सेंस बन सकता है ओके सो यू नीड टू हैव फेथ ऑन मी यार तुम्हें तो भरोसा रखना पड़ेगा और भरोसा रखो बढ़िया नंबर आ जाएगा हमारे बच्चों के टर्म वन में भी बढ़िया आए हैं तो तुम भी मचाए होगे फिर ठीक है आगे चलते हैं मैं चाहती हूँ कि एक बार आप कुछ आ, टिप्स लिख लें जो मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट मेरा करता है मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू फॉलो दीज टिप्स सबसे पहली है नोट्स लेने हैं मैं आप लोगों को स्टार पॉइंट्स एंड स्टार क्वेश्चन स्टार पॉइंट्स एंड स्टार क्वेश्चन वो होते हैं जो अटरली इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे क्वेश्चन आने की संभावना निन्यानवे पॉइंट नाइन नाइन परसेंट होती है ठीक है अंडरलाइन दी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एनसीआर अब भाई जो ये मेरी क्लास है इसमें मैंने एनसीआर की भी लाइन्स भी इंक्लूड करी है आपको वो लाइन्स लिखने की जरूरत नहीं है बस अपने साथ अपनी एन लेके बैठना है और अंडरलाइन करना है मेरी क्लासेस में बेटा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ साथ आपकी एनसीआर भी प्रिपेयर हो जाएगी बिकॉज ऑल ऑफ नो वेरी वेल हमने टर्म वन में भी देख लिया था कि भाई जो हमारी ये होती है जो ये हमारी बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उनमें एनसीआर ज्यादा पूछी जाती है तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि तुम पहले मेरी क्लास देख रहे हो फिर एनसीआर की तरफ भाग रहे हो दोनों चीजें हम लोग साथ में लेके चलेंगे ठीक है सबका साथ सबका विकास होगा तो जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी विच इज मेरी क्लास एंड एनसीआरटी दोनों को साथ लेके चलना है तो so, ये दोनों चीजें आपको फॉलो करनी है टू क्लास अब उसमें आपको ये दो चीजें नहीं करनी है स्पैम तो भैया कतई नहीं करना है मतलब स्पैम तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है दूसरी चीजें आपके जो कोई भी डाउट्स है जो कोई भी आंसर्स है क्विज के आंसर्स हैं क्विज आएंगे बीच में उसके आंसर्स आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में डाल देने हैं नॉट इन द लाइव चैट इन द कॉमेंट बॉक्स कॉमेंट बॉक्स में करो जितनी स्पैमिंग तुम्हें करनी भर दो कॉमेंट बॉक्स लाइव चैट में नहीं कॉमेंट बॉक्स में भर दो जितना भरना है तुम्हें तो कुछ भी चीज़ तुम्हें तो मुझसे पूछनी हो मेरा नाम भी पूछना हो तो वहां पर पूछ सकते हो आप बट कॉमेंट सेक्शन में अच्छे से पूछना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हमारे कार्बन के बारे में भाई एक ऐसी चीज जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है तो कुछ उसकी तारीफ में भी चीजें हम देख लेते हैं अब यार कार्बन जो है ना वो हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है सिरेंजस से लेकर से सुई सुई से लेकर हमारे बीपी वगैरह को चेक करने वाली चीज़ों में हमारी दवाई में कफ सिरप में जैसे अभी मैम को गोल्डन कफ हो रखा है तो मैम जो मेडिसिन ले रही है जो कैप्सूल ले रही है जो सिरप ले रही है उन सारी चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट रहता है ठीक है अब मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहती हूँ मेरी क्लास देखने से पहले सपोज तुमने सुबह शुरू किया तुम लोग सुबह उठे तो तुमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी होंगे ठीक है तुम उठे हो गए सुबह बेड से कंबल वंबल तुमने रजाई वगैरह अपनी हटाई होगी उसके बाद फिर तुम उठे उसके बाद तुमने मुंह धोया साबुन से देन तुमने ब्रश किया होगा करते हो ना ब्रश व्रश तो हाथ मुंह धोकर ही बैठते हो ना पता तो चले आधी खुली आंख से बैठे ही रहते हो ठीक है सो साबुन से हाथ मुंह धोए तुमने तुमने ब्रश करी उसके बाद तुमने रोटी खाई तुमने सब्जी खाई उसके बाद दही वगैरह खाई इतनी सारी चीजें करी फोन में अपने एयरफोन्स प्लग इन करे एंड फिर स्वाति मैम की क्लास को तुमने देखना शुरू किया तो जब से तुम उठे हो जब से तुम मेरी क्लास देख रहे हो एंड जब तुम सोने जाओगे उस बीच तुमने जिस भी चीज को हाथ लगाया है जिस भी चीज को पहना है जिस भी चीज़ को देखा है सूंघा है हर एक चीज में कार्बन प्रेजेंट है रजाई में जो रुई है उसमें कार्बन प्रेजेंट है आपका टूथपेस्ट में जो जो आपकी टूथब्रश है उसमें जो प्लास्टिक है उसमें कार्बन प्रेजेंट है टूथपेस्ट में कार्बन प्रेजेंट रहता है आपका साबुन में कार्बन प्रेजेंट है जो फोन आपने चलाया है उसमें कार्बन प्रेजेंट है स्वाति मैम में कार्बन प्रेजेंट है सो ईच एंड एवरीथिंग वी टच वी फील वी सी वी ऑब्जर्व हैज कार्बन इन इट अब जब ये चीज इतनी ज्यादा प्रेजेंट है तो उसके बारे में बढ़िया से अपने को पढ़ना भी पड़ेगा है ना चल तो देख लेते हैं टस्ट नो अबाउट कार्बन अब यहां पर मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगी कार्बन के बारे में वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उनको साथ के साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज ठीक है कार्बन इज अ नॉन मेटल विद अटोमिक नंबर सिक्स द सिंबल ऑफ कार्बन इज जस्ट अ सी इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेटल्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं उनकी पूरी की पूरी नॉलेज हमने ले ली थी तो उसी चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि भाई जो कार्बन है हमारा वो एक नॉन मेटल है और उसका एटॉमिक नंबर है क्या उसका एटॉमिक नंबर है छोमिक नंबर इज सो यू हैव टू दिस पॉइंट कि भाई कार्बन एक नॉन मेटल है और एटॉमिक नंबर है उसका छंबल है उसका सी सिंबल तो सारे बच्चों को याद रहता है एटॉमिक नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट एंड एटमोसफेयर इज स्मॉल अर्थ का क्रस्ट क्या होता है हमारी बड़ी सी अर्थ है अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है बेटा मेंटल होता है इनर कोर होता है आउटर कोर होता है फिर अर्थ का क्रस्ट है क्रस्ट जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं एंड देन एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का तो ये लाइन कह रही है कि भाई जो अर्थ का क्रस्ट है ना और जो हमारे आसपास का पर्यावरण है एटमोसफेयर है उसमें कार्बन की अमाउंट बहुत ही कम होती है कितनी कम होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगी और जो ये परसेंटेज है ना जो यहाँ पर अभी परसेंटेज आएगी ये बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी गई है चाहे आपका एन का एग्जाम हो चाहे आपका सी का एग्जाम हो चाहे आपका एस का हो जितने भी हायर लेवल के एग्जाम होते हैं ना ट्वेल्थ के बाद के उनमें भी ये डेटा पूछा जाता है एन वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा पहला स्टार पॉइंट सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन दिस पॉइंट कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली ओनली के ऊपर आपको जोर डालना है कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही होता है ऐसा नहीं है कि और किसी फॉर्म में नहीं होगा बट अगर हम लोग बात करें कि भाई क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट है तो नहीं अगर हम गैशियस फॉर्म की बात करेंगे ना कि भाई कार्बन जो है वो गैशियस फॉर्म में किस रूप में प्रेजेंट रहता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड इज सी ओ दिस इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस होती है तो तुम खुद सोच के चलो ना कि अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती तो हम तो सारे चुटकियों में मर जाते ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कार्बन मोनोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है ठीक है अगला पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू अर्थ क्रस्ट हैज ओनली जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू परसेंट कार्बन कितना परसेंट कार्बन सीधा सवाल आएगा कि भाई अर्थ के क्रस्ट में कितना परसेंटेज कार्बन होता है सो योर आंसर शुड बी जीरो पॉइंट जीरो टू नॉट जीरो पॉइंट टू नॉट टू जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट ओके इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स कोल पेट्रोलियम ये कार्बोनेट्स कोल एंड पेट्रोलियम का क्या मतलब है कार्बोनेट जैसे आपके घरों में जो मार्बल लगे हुए होते हैं या अंडे का जो छिलका होता है इन सब में आपके कार्बोनेट्स प्रेजेंट है कार्बोनेट्स का क्या फॉर्मूला होता है सी ओ थ्री तो देखो इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि यार अर्थ के क्रस्ट में भी ना कार्बन प्रेजेंट रहता है पर वो किसी अलग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वो तो ना एक ही चीज अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट रहती है तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में कोल माने कोयला पेट्रोल जो हमारा पेट्रोल होता है उसका एक बहुत मेजर पोर्शन हमारे केवल कार्बन से बना हुआ होता है ठीक है एक्सेट्रा एंड दी एटमोसफेयर अब पूछा जाएगा कि भाई एटमोसफेयर में कितना है 0.03 परसेंट सो ये दोनों हो गए आपके स्टार पॉइंट इसको भी आप फटाफट से नोट कर लीजिए सो जीरो पॉइंट जीरो टू इज प्रेजेंट इन अर्थ का क्रस्ट जीरो पॉइंट जीरो थ्री इज प्रेजेंट इन आर एटमोसफेयर ठीक है क्लियर है आई गिव यू फाइव सेकंड एक बार जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए मैं फाइव सेकंड के लिए साइड में हट जाती क्योंकि मेरे पीछे कंटेंट छुप जाएगा आई एल जस्ट गिव यू फाइव योर टाइम नाउ नरे अब फोर थ्री टू एंड वन ठीक है कर लिया होगा अब तो तुमने स्क्रीन शॉट्स तो वैसे भी लेते तुम लोग लिखते थोड़ी ना स्क्रीन शॉट्स ही चलते हैं तुम्हारे तो चलो आगे चलते हैं अब हम लोग बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में ना डस वर्सेटाइल शब्द का क्या मतलब होता है जो ये शब्द है मैम हर एक जगह पर हमने ये देखा है वर्सेटाइल नेचर वर्सेटाइल नेचर वर्सेटाइल नेचर ये वर्सेटाइल नेचर का मैडम मतलब क्या होता है अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ थोड़े फिल्मी तरीके से सो वर्सेटाइल वर्सेटाइल बेटा ये हमारा केमिस्ट्री का शब्द नहीं है ये इंग्लिश का शब्द है इस इंग्लिश के शब्द वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है वर्सेटाइल का मतलब होता है जो मतलब हर रूप में प्रेजेंट हो हर तरीके से प्रेजेंट हो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री होती है उसका सबसे वर्सेटाइल एक्टर कौन है अमिताभ बच्चन जी वो एक प्रिजनर के रोल में भी दिखे हैं हमें वो एक गैंगस्टर के रोल में भी दिखे हैं हमें वो एक पुलिस वाले के रोल में भी दिखे हैं हमें उन्होंने ये पा का रोल भी किया है सो वी हैव सीन एन नंबर ऑफ रोल्स एन नंबर ऑफ मूवीज जिसमें अमिताभ बच्चन जी ने अलग अलग रूप दिखाए अलग अलग रोल्स को प्ले किया तो हम इनको बोलते हैं भाई ये तो बड़ा ही वर्सटाइल एक्टर है हर रोल में अपने आप को अच्छे से शो कर देता है हर एक रोल में प्रेजेंट रहता है हर एक रोल इन्होंने परफॉर्म किया है उसी तरीके से जब मैं वर्सेटाइल शब्द और कार्बन की बात करूंगी तो मतलब यह होगा कि कार्बन जो है वो हर जगह प्रेजेंट है किसी ना किसी फॉर्म में हमें हर जगह वो मिल जाता है मेरे बालों से लेकर मेरे बालों में प्रेजेंट है कैरेटिन जैसे बहुत सी लड़कियां वो नहीं होती अपने बालों को शाइन करवाने के लिए कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाती है फ्रिजीनेस को हटवाने के लिए कैरेटिन ट्रीटमेंट कराती है तो मेरे बालों के कैरेटिन से लेकर मेरे पैर के नाखून तक फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई एम मेड ऑफ एंटायरली कार्बन सो कार्बन इज सो वर्सेटाइल मेरे बालों में उसका अलग फॉर्म होगा मेरी स्किन में अलग फॉर्म होगा मेरे मुंह में अलग फॉर्म होगा मेरे पैरों में अलग फॉर्म होगा सो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब कि मतलब वो बहुत सारे रूप में प्रेजेंट रहता है, है। हिसाब से तो कोई और है। में लिखना कि अकॉर्डिंग टू यू मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर कौन सा है ठीक है मेरे को पता है बगावत करेंगे नहीं मैम अमिताभ बच्चन नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी तो हो सकता है कोई तो यू भी बोल देगा मैम वरुण धवन भी तो हो सकता है तो तुम्हारा तो ईमान ही नहीं है छोड़ो ठीक है कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट एक्टर्स लिख देना कोई दिक्कत नहीं है बट अभी क्लास पे फोकस करना है हमें अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हम मेनली दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंट समझाऊंगी क्या होता है दो मिनट का समय दे दो मुझे एंड सेकंड इज कैटिनेशन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेट्रावैलेंट एंड कैटिनेशन मैडम ये टेट्रा वैलेंट का क्या मतलब होता है मैडम ये कैटिनेशन का क्या मतलब होता है हर एक टॉपिक को मैं पर्सनली उठाकर आपको अभी बताऊंगी ठीक है जी आगे चलते हैं सबसे पहले बारे में हम बात करते हैं टेट्रा वैलेंट तो इस शब्द को थोड़ा तोड़ा जाए ठीक है इस शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो पहला शब्द बनता है टेट्रा टेट्रा माने की चार सीधा जैसे मोनो का मतलब होता है वन बाय का मतलब होता है टू ट्राई का मतलब होता है तीन उसी तरीके से टेट्रा शब्द का मतलब होता है चार एंड वैलेंट मींस वैलेंसी की बात हो रही है यहाँ पे अच्छा मैम वैलेंसी क्या है हम तो नाइन्थ क्लास में छोड़ा है मैम हमने तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ी थी उसके बाद तो कापी किताब उठा के ही नहीं देखी है समझा देंगे वैलेंसी क्या होती है क्यों घबरा रहे हो ठीक है सो वैलेंट बेसिकली स्टैंड फॉर वैलेंसी सी इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज आप बोलोगे मैम वैलेंट अलग शब्द होता है वैलेंसी अलग शब्द होता है बट ये अंग्रेजी है क्या ही कर सकते हैं टेट्रा वैलेंस नहीं कह सकते थे ना उसको हम वी हैड टू कॉल इट टेट्रा वैलेंट ठीक है चलिए सो देखते हैं एक्सक्यूज मी आज थोड़ा जुकाम हो रहा है मेरे को काम चला लेना बस आज आज एक दो दिन में मैडम फिट फोर हो जाएगी तुम्हारी तो कार्बन इज ट्राइंग टू हेल्प मी ठीक है चलिए सो so, ये दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको वापस से एक बारी समझाना चाहती हूँ हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर छः है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाई है तो छः जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी टू कॉमा फोर ये वाला होगा आपका के शेल ये होगा आपका एल शेल इस एल शेल को मैं कह दूंगी लास्ट शेल

लास्ट शेल को एक और नाम से बुलाया जाता है वैलेंस शेल है ना लास्ट शेल इसको एक और नाम से बुलाया जाता है विच इज वैलेंस शेल अब इस वैलेंस शेल में जो ये चार इलेक्ट्रॉन है इनको मैं बुलाऊंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी बात तो सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि भाई जो लास्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं चाहे तुम तुम लास्ट शेल कहो, या तुम आउटर मोस्ट शेल कहो कहो या आउटर मोस्ट दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अब कार्बन को भी रिश्ते बनाने हैं कार्बन को भी बॉन्डिंग करनी है बॉन्डिंग क्यों कोई करता है एक ही तो पर्पस होता है बॉन्डिंग का ऑक्टेट पूरा हो जाए है ना अब अगर कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे क्या करना होगा चार इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी कहीं ना कहीं से ही वॉन्ट्स कि कहीं ना कहीं से इसके पास चार इलेक्ट्रॉन आ जाए इसके इस आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और ये मस्त अपनी मत जानी लाइफ जिए बट इसको चार इलेक्ट्रॉन्स की जो ये अवेलेबिलिटी है इसी अवेलेबिलिटी को इसी भूख को हम वैलेंसी वैलेंसी कहते हैं। शब्द का मतलब ही होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या लूज नॉट जस्ट एक्सेप्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या लूज या शेयर करने पड़ते हैं टू कंप्लीट एंड ऑक्टेट तो कार्बन को यहां पर चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कार्बन चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या चार शेयर करेगा इतना आइडिया तुमको है कि ये शेयर करेगा बट मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी वो टॉपिक हम बॉन्डिंग में कवर करेंगे अभी बस इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि भाई कार्बन जो है ना वो हमारे चार इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है उसको कहीं से चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे सो किसी भी एलिमेंट को जो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होती है

एलुमिनियम का उसको मेरी तरफ से शबाशी मिलेगी पर्सनल शबाशी मिलेगी सारे के सारे जल्दी लिखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है वेरी गुड तेहरा मैम का नहीं टेपना है ओरिजिनल बनो अब तेहरा है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी टू कॉमा एट कॉमा थ्री अब जो बच्चा कह रहा है कि मैम हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखनी नहीं आती है तो बेटा हमारी ऐप पर मेरे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लेक्चर्स हैं जाके देख लेना समझो मैं आ जाएगा ठीक है जी घबराना नहीं है सब पढ़ा रखा है हमने तो अगर एल्यूमिनियम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये क्या करेगा या तो कहीं से इसको पांच इलेक्ट्रॉन मिल जाए या ये अपने इन तीन इलेक्ट्रॉन्स से छुटकारा ले पाँच इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई देगा नहीं बोलेगा भाई हम तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया करते उसके तो पास एक ही ऑप्शन है एल्युमिनियम हैज टू लूज दिस थ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही इन थ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो एल्युमिनियम हो गया ट्राई वैलेंट क्यों क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन्स की भूख इसकी ऑक्टेट की भूख किस तरीके से पूरी हो रही है अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके तो ये ट्राई बन गया जी अब मैं बात करूं जैसे सपोज फ्लोरीन के बारे में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2,7 दिस इज के शेल दिस इज एल शेल फ्लोरीन क्या करना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो फ्लोरीन की जो ऑक्टेट की भूख है वो किस प्रकार पूरी हो रही है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अगेन वैलेंसी डज नॉट डिपेंड कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लूज हो रहा है ठीक है यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है

बस फर्क क्या है फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये वन है। सोडियम इसीलिए ये प्लस वन है पर दोनों के दोनों मोनोवैलेंट होंगे ठीक है आगे समझ में तो टेट्रा इज इस इसकी चार वैलेंसी है ट्राई इज जिसकी तीन वैलेंसी हो इज जिनकी किसी बच्चे को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है चिंता ना कर थम जा थोड़ा अगला जो चैप्टर होगा तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसमें मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगी नहीं छोड़ के जाएंगे तुम्हें बीच कॉन्सेप्ट में ठीक है चलिए आगे चलते हैं सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये टेट्रा वैलेंट होता है यानी कि इसकी वैलेंसी चार होती है यानी कि कार्बन चार बॉन्ड्स बनाता है जितनी इसकी वैलेंसी होगी बेटा ये उतने ही तो बॉन्ड्स बनाएगा सो so, कार्बन हमारे चार बॉन्ड्स बनाता है ठीक है ज अ वैलेंसी ऑफ फोर अब जो भी चीजें मैंने बोली है वो यहाँ पे पीछे लिखी गई है तो फटाफट से पढ़ लेते हैं मोनोवैलेंट एलिमेंट मोनोवैलेंट एलिमेंट मतलब जिनकी वैलेंसी एक है जिनकी वैलेंसी एक है उनके साथ ये बॉन्ड कर सकते ऐसा नहीं कि जिनकी वैलेंसी दो होगी उसके साथ नहीं बनेगा बनेगा ऑक्सीजन की वैलेंसी टू होती है एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड बनाते हैं यहां पर बस मोनोवैलेंट ऐसे ही लिखा है ठीक है ऐसी लिखा है यू डू नॉट हैव टू फोकस ऑन दैट ये आपके दोनों के दोनों पॉइंट्स एनसीआर के हैं तो मैं एनसीआर के पॉइंट्स आपको समझाना चाह रही हूं कि ऐसा ना हो कि मेरा पढ़ने के बाद आप एनसीआर पढ़ने जाओ और पल्ले ना पड़े तुम्हारे सो so, जो टी के पॉइंट्स हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ किसने बोला है कार्बन की वैलेंसी चार है यानी कि वो चार बॉन्ड्स बना सकता है जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी तीन है मतलब वो तीन बॉन्ड्स बनाएगा फ्लोरिन की वैलेंसी वन है मतलब वो एक बॉन्ड बनाएगा जितनी वैलेंसी होती है हैं ना बच्चे उतने बॉन्ड्स बनते हैं सम अदर मोनो वैलेंट एलिमेंट बट जरूरी नहीं है केवल मोनो वैलेंट के साथ हो मोनो वैलेंट मतलब वन वैलेंसी वाले ठीक है बट जरूरी नहीं है मोनो वैलेंट के साथ बनाए डाई वैलेंट के साथ भी बनाता है चलिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइस टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अब देख कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा या वो कार्बन मोनऑक्साइड बनाएगा या वो कार्बोनेट बनाएगा अब इनकी हर एक की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है कार्बन अगर सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कार्बन डाईसल्फाइड बनाएगा जिसकी प्रॉपर्टी अलग है कार्बन अगर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो मिलके बनाएगा क्लोरोफॉम सी एच सी ए थ्री जिसको पहले एज ए एनेस्थीसिया यूज किया जाता था एनेस्थेटिक जैसे बेहोश करने के लिए यूज किया फिल्मों में नहीं दिखाते थे रुमाल पे लगा के मुंह पे लगा दिया करते थे सब झूठ है अगर ज्यादा क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया जाए ना तो ब्रेन डैमेज हो जाता है उससे इसलिए अब इसको मेडिकल यूज नहीं किया जाता है क्लोरोफॉर्म इज नॉट यूज मेडिकली नाउ क्योंकि इससे ब्रेन डैमेज होता है बहुत ज़्यादा ठीक है बट वहीं पर ही देखो कि कार्बन जब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के साथ आ जाता है तो एक नई चीज़ बन जाती है सर so तुम देख रहे हो इसने यही इस लाइन में केवल यही लिखा है हमारी एनसीईआरटी की में कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर इन सबके साथ बॉन्ड बनाता है और कंपाउंड्स बनाता है जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कार्बन प्रेजेंट इन दॉलिक्यूल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है ऐसा नहीं है कि जो क्लोरो नहीं अदर दैन कार्बन जो एलिमेंट्स है उनपे भी डिपेंड करेगी भी बोला है मैंने भी उनपे भी डिपेंड करेगी ठीक है तो ये हमारी एनसीआरटी की दोनों के दोनों लाइन है मस्त क्लियर है सभी को पक्का से क्लियर है बता दो चलो तो चलते हैं फिर आगे अब यह है आप लोगों का एक क्वेश्चन फटाफट से ये क्वेश्चन देख लो कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड, बोथ या फिर नन ये है आप लोगों का ऑप्शन ए ये है आप लोगों का ऑप्शन बी सारे के सारे फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब जाके लिखेंगे दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन this is your question number 1 so i want all of you to go फटाफट से इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट दी answers बताया है ये क्लास की शुरुआत में ही ये बताया है मैंने आपको लिखो जल्दी से यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड होगा तो वी विल डाई मर जाएंगे सारे हम ओके आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं कैटिनेशन के बारे में कैटिनेशन इज इज समथिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अब मैंने यहाँ पे दो इमेजेस दिखाऊंगी तो मुझे बताना ये कौन सा गेम है ठीक है जल्दी से जल्दी आप मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ये गेम बताओ ये कौन सा है तुम सब लोगों ने स्कूल में खेला होगा ये गेम क्या चल रहा है यहाँ पे यह कौन सा गेम खेल रहे हैं अच्छा नहीं समझ में आ रहा कौन सा गेम खेल रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे बच्चों ने हाथ पकड़ रखा है एक चेन टाइप में बना रखी है चेन टाइप में बन रही है अच्छा चलो यहाँ पे कौन सा गेम खेला जा रहा है ये ये इस वीडियो में कौन सा गेम लग रहा है तुम्हें ऐसे हाथ पकड़ के जब हम भागते रहते हैं कौन सा गेम होता है चेन चेन या खो कहते हैं इसको क्या कहते हैं सात समुंदर पार कहते हैं इसको सारे गेम खेले हमने पिट्ठू पिट्ठू कहते हैं इसको <laughs> कौन सा गेम है ये दोनों की दोनों वीडियोस है एक बहुत ही फेमस गेम की जो हम सारे अपने बचपन में खेलते हैं विच इज चेन चेन तो चेन चेन में क्या होता है भाई एक बंदा दूसरे बंदे का हाथ पकड़ के घूमता रहता है ठीक है कैटिनेशन भी कार्बन की कुछ इसी प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे चेन बना के घूमता रहता है बहुत ही लंबी चेन बन जाती है कैटिनेशन को तुम तो इस तरीके से मान के चलो कि एक रूम में सौ स्वाति मैम है कितना तो बढ़िया होगा ना सौ सौ स्वाति मैम जब एक स्वाति मैम इतनी बढ़िया तो सौ होंगी ओ माई गॉड जैसे तो सौ स्वाति मैम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हुई ऐसे रिंगा रिंगा रोजेस करेगी चलो भाई चलते हैं सो so वेन सौ स्वाति मैम आर होल्डिंग एक दूसरे के हाथ हम कहेंगे भाई स्वाति मैम तो कैटिनेशन शो कर रही है जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो हो कर एक काफी लंबी चेन बना लेता है उस प्रॉपर्टी को कार्बन की उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन ठीक है चलिए द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक सबसे उम्दा यूनिक क्यों है क्योंकि हमारी पीरियडिक टेबल में ना 118 एलिमेंट्स है आउट ऑफ दो 118 एलिमेंट्स कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है बढ़िया तरीके से एकदम तो उम्दा तरीके से द मोस्ट आउटस्टैंडिंग और यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स अबिलिटी टू कंबाइन विद इट्स सेल्फ खुद के साथ कंबाइन करना कार्बन को खुद से भी बहुत प्यार है वो खुद के साथ भी है तू तू मेरा मेरा भाई है, मेरा भाई अच्छा बना लेते हैं सो कार्बन 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 ऐसे बहुत सारे चेन बना लेते हैं सो इट कैन कंबाइन विद इट सेल्फ एटम टू एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें कैटेनेशन की डेफिनेशन याद नहीं होती है सो so, कैटेनेशन सी फॉर कैटिनेशन सी फॉर चेन ऐसे याद रख लो तो कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिससे वो लंबी चेन बनाता है दैट इज नोन एज कैटिनेशन फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेन अब देखो यहाँ पे क्या है ये ऑक्टेन One of the constituent of petrol. Petrol वो जो अभी स्वाति अपनी स्कूटी में डाल के आई थी और फटाफट फ़ड़ तुम्हारी क्लास लेने के लिए मैं आई। सो पेट्रोल में ऑक्टेन प्रेजेंट होता तुमने बहुत जगह पर देखा होगा हाई ऑक्टेन वैल्यू हाई ऑक्टेन पेट्रोल लो ऑक्टेन पेट्रोल ऑक्टेन शब्द बहुत बड़ी सुना होगा तुमने ऑक्टेन वन ऑफ दुन ऑफ पेट्रोल हैज ए चेन ऑफ

क्योंकि कार्बन जैसे ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन इसके साथ ये 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 इसके साथ तो कार्बन ऐसे आपस में जुड़ जुड़कर एक लंबी चेन बना पा रहा है आठ कार्बन की सो so, कार्बन इज शोइंग कैटिनेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट पेट्रोल एग्जिस्ट कार्बन इज शोइंग कैटिनेशन बिकॉज ऑफ दैट स्टार्च एग्जिस्ट स्टार्च ना होता तो बेटा फ्रेंच फ्राइज ना बनती मैडम तो तुम्हारी मर जाती इससे बिना फ्रेंच फ्राइज के व्हाट वुड आई हैव डन विदाउट फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज ना होती आलू ना होता ब्रेड ना होता रोटी ना होती सो so, इसलिए सबसे यूनिक और सबसे गजब प्रॉपर्टी कही जाती है कार्बन की कैटेनेशन क्योंकि कार्बन जो जैसे यहां पर देख

वो होता है स्ट्रेट चेन होती है यहाँ पर तो स्ट्रक्चर इसका थ्री में ड्रॉ किया है अगर हम टू में देखें तो स्ट्रेट चेन है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बिल्कुल स्ट्रेट चेन है वहीं पर ही अगर मैं स्टार्च देखूं तो देखो यहाँ से ये एक ब्रांच निकल रही है यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है यहाँ से, 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 से एक ब्रांच निकल रही है तो ब्रांचेस भी होती है तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट चेन भी होती है और ब्रांच चेन भी होती है स्ट्रेट और ब्रांच चेन डिटेल में समझाई जाएगी सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है इसलिए मैं अभी नहीं समझा सकती हूँ बिकॉज सीबीएसई हैज डिडक्टेड दैट फ्रॉम योर सिलेबस कंपाउंड्स में हैव चेन्स ऑफ कार्बन ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेन्ज्ड इन रिंग्स रिंग्स मतलब ऐसे गोल में जैसे साइकिल का पहिया होता है ना गोल उसी तरीके से रिंग्स में भी अरेन्ज रहते हैं बट रिंग चेन एंड ब्रांचेस ये ना आपका सिलेबस uh, से हटा दिया गया है मैं अलग से एक क्लास लगा दूंगी जिसमें आपको ये सारी चीजें मैं समझा बट पहले एक बारी सिलेबस पूरा कर लेते हैं हम इन एडिशन कार्बन आइटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसने बोला ऐसा नहीं होता कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से बस सिंगल बॉन्ड बनाए होता है डबल बॉन्ड भी होते हैं ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं तो जरा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं हमारे घर पे एलपीजी होती है जिससे अपन लोग रोटी सब्जी बना सकते हैं जिससे जब तुम लोग बढ़िया हाँ नंबर लेकर आओगे जिसके ऊपर हलवा बना के मैडम को खिलाओगे तुम खिलाओगे ना मतलब हाँ नाम बता देना पहले जो बच्चे कॉमेंट सेक्शन में हाँ लिखेंगे उन्हीं के घर आना है मैंने और किसी के घर नहीं आना हलवा बना के खिला देना और दही बल्ले बस और कुछ नहीं चाहिए सो दैट एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर है उसमें प्रेजेंट रहता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन तो अपने घर पे गैस क्यों है क्योंकि प्रोपेन एंड ब्यूटेन एग्जिस्ट करते हैं यहां देख कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड केवल एक बॉन्ड है कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सो ऑल ऑफ दीज थिंग एग्जिस्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट एल पी जी एग्जिस्ट ठीक है अब बात करें अगर डबल बॉन्ड की तो जैसे आपकी

ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जब मैं आपको बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी ना उसमें डिटेल में पढ़ेंगे बस तब तक के लिए ये समझ लो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होते हैं डबल भी होते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं ठीक है थीके? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये भी देख लो नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट एक्सटेंट मतलब हद कि कोई भी एलिमेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी उतनी हद तक नहीं दिखाता है जितनी हद तक कार्बन दिखा सकता है कार्बन सौ कार्बन की चेंज बना सकता है सौ कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकता है बच्चे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं कर पाता है सिलिकन फ्रोजन भी कैटिनेशन शो करेगा पर सौ सिलकन नहीं होंगे सात या आठ सिलकन एक दूसरे के साथ आ सकेंगे कुछ इस तरीके से जैसे ये एक सिलिकन दो तीन चार पाँच छ सात तो ऐसे सिलिकन हाइड्रोजन उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे ऊपर इससे ज्यादा आगे नहीं जाया जा सकता है दी कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रोंग और फिर वो स्टेबल होता।, होता है जो कार्बन कार्बन का रिश्ता होता है बड़ा मजबूत होता है मजबूती पर बना हुआ होता है और जो चीज़ें बेटा मजबूत होती हैं वो स्टेबल होती है stable होती। जैसे आपको और हमारा रिश्ता है बड़ा ही मजबूत है स्टेबल है कहाँ आओगे तुम केमिस्ट्री पढ़ने यहीं आओगे स्टेबल है क्योंकि दिस गिव्स अस दी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन आइटम्स लिंक्ड टू ईच अदर और इसी स्ट्रोंग बॉन्ड की वजह से बहुत सारे हमारे कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं आगे चलते हैं अब ये एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर देंगे मुझे पता कैसे चलेगा फिर तुम लोगों ने क्या जवाब दिया है क्या नहीं दिया है ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी शोन बाय कार्बन कैटिनेशन बी टेट्रावैलेंट सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन ऑफ दी अबव भाई सुपर इजी क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन भाई पॉसिबल ही नहीं है करो इसको एक बार देखो जल्दी से साइड हट जाती हूं मैं डू नॉट वरी दस सेकेंड का समय देती हूं हरिअप दस नौ आठ सात छ पाँच, चार तीन दो एक आ रही हूं अब मैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाई कार्बन कैटिनेशन भी शो करता है टेट्रा वैलेंसी भी शो करता है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी बट मुझे देखना है कि कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है तो फटाफट से भर देना कतई स्पैम कर देना ठीक है चल आगे चलते हैं अब ये है एक स्टार क्वेश्चन जो मैं चाहती हूं कि आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है सवाल क्या है व्हाई डज अदर एलिमेंट नॉट शो कैटिनेशन लाइक कार्बन डज की बाकी एलिमेंट्स कार्बन जितना ही अच्छा कैटिनेशन क्यों शो नहीं कर पाते हैं वट इज द रीजन कि 118 एलिमेंट्स में से केवल एक एलिमेंट हमारा कैटिनेशन इतनी खूबसूरत शो कर सकता है पढ़ते हैं क्या रीजन है दी कोवलेंट बॉन्ड्स देखो कार्बन में बेटा कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे सो द कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस कार्बन आइटम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग पता है हमें डू नॉट ब्रेक इजीली पता है हमें पर कारण क्या है द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाई कार्बन एटम्स इज देयर स्मॉल साइज उनका छोटा साइज होता है इसलिए उनके स्ट्रोंग बॉन्ड्स बन जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो एक तो मैंने मेरे हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं वो ऐसे बीच में से आएगा तोड़ेगा टूट जाएंगे एक मैंने मेरे हाथ ऐसे पकड़ रखे हैं टाइम लगेगा किसी को तोड़ने में तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो लंबा हो गया है तो आसानी से टूट सकता है यहाँ पर बॉन्ड छोटा हो गया है तो थोड़ा मुश्किल है तोड़ना तो छोटी चीजों को तोड़ना मुश्किल होता है एक छोटा चना है उसको मैं मेरे हाथ से नहीं तोड़ सकूंगी कोई बड़ी चीज है उसके ऊपर मैं ज्यादा प्रेशर लगा के उसको तोड़ सकती हूँ तो उसी तरीके से कार्बन का साइज छोटा होता है छोटे साइज के कारण कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल हो जाता है अब इसको थोड़ा टेक्निकली मैं आपको समझाती हूँ टेक्निकली देखो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स देर न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई क्या होता है न्यूक्लियस पता है ना एटम है एटम के बीचों बीच पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस हम कहते हैं जब हम एक एटम की बात करें यहाँ पर हम बहुत सारे एटम्स की बात कर रहे हैं इसीलिए प्लूरल शब्द मेंशन किया गया है न्यूक्लियस का सो so न्यूक्लिया कोई नया शब्द नहीं है न्यूक्लियाई इज जस्ट प्लूरल फॉर न्यूक्लियस सिंगुलर मतलब एक चीज के लिए प्लूरल मतलब बहुत सारी चीज के लिए जैसे नाइफ होता है सिंगुलर नाइव्स होता है प्लूरल ठीक है प्लूरल फॉर न्यूक्लियस तो इन्होंने क्या बोला कि जब भी दो एटम्स कार्बन एटम्स साथ में आते हैं तो उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कसके पकड़ के रखते हैं जैसे सपोज यहाँ पे देखो कार्बन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ मैं कार्बन का शेल इस तरीके से बनता है ये बीच में न्यूक्लियस है कार्बन का दूसरे कार्बन को का अलग कलर से बनाती हूँ मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से कार्बन होता है हमारा इसके भी बनाई देती हूँ अलग रंग से बनाती हो ताकि कंफ्यूजन ना हो तो ये मैंने दो कार्बन बना दिए मेरे ठीक है अब मुझे इन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग दिखानी है तो बॉन्डिंग कैसे होती है बेटा ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा आपस आप के इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे ये बॉन्डिंग में मैं पढ़ाऊंगी पर अभी के लिए समझने की कोशिश करो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया ये आपस आप में शेयर होंगे अब जो ये न्यूक्लियस है ना दोनों के ये वाला न्यूक्लियस एंड ये वाला न्यूक्लियस ये दोनों न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखते हैं साइज छोटा है तो जो ये न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा पकड़ बना के रख सकता है अब मान के चलो तुम मेरे सामने बैठे हो तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ तुम मेरे से इतने दूर हो तो मेरे को वहां तक आना पड़ेगा मारने के लिए है ना तो उसी तरीके से कार्बन का साइज छोटा है उस कारण कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना जोर दिखा सकता है उसी तरीके से ये न्यूक्लियस भी अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपना जोर दिखा सकता है एंड इस वजह से कार्बन का जो ये बॉन्ड है इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा जब ये दोनों आपस में शेयर होंगे ना एक बॉन्ड बन जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस दोनों कार्बन एटम्स के न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के बैठे हुए हैं जाने ही नहीं दे रहे हैं ठीक है चलिए वेरी गुड सो वही सेम चीज हमने यहाँ पर लिखी गई है आ गया सारे बच्चों को समझ में आज की क्लास में जो भी पढ़ाया सबको क्लियर था ठीक है भाई तो यहाँ पर हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है मिलते हैं आपकी अगली क्लास में जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट रहा है कोई भी चीज़ आपको पूछनी है भाई नया चैप्टर है लग जाता है टाइम समझने में कॉमेंट सेक्शन में भर देना पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट क्लास में आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाए ठीक है चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए बाय बाय बच्चे लोग